योऽन्तः प्रविश्य ममवाच इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनायी श्रीश्रयता यश ओ शांति 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 आत्मीय स्वजनों आज 19 जून 2024 अमेरिका की धर्म यात्रा जो चल रही है उसमें नॉर्थ कैरोलिना प्रांत के राले शहर में भागवत कथा चल रही है हिंदू सोसाइटी फॉर नॉर्थ कर ऑफ नॉर्थ करल मंदिर में उसके हॉल में आज कथा में तो छठा दिन है लेकिन इस प्रातक काल में हम कथा के जो मुख्य मनोरथी दो परिवार हैं बड़े हम्बल बड़े नम्र और जिनको हम कहें डाउन टू अर्थ ऐसे ये दोनों परिवार जिनके घर में हम बैठे हैं नृपेश जी मेहता उनके माता जी सुशीला बहन मेहता इनका ये संकल्प कि हमें नृपेश जी के सदगत पिताजी के पुण्य स्मरण में ये कार्य में मनोरथी बनना है और नृपेश जी की बहना श्वेता बहन भी यहीं पर पास में ही रहती हैं वो भी यहाँ पर है और योगायोग देखिए कैसा है कि हमारे दूसरे जो मनोरथी हैं वो भी आदरणीय महेंद्र भाई एवं चंद्रिका बहन श्रीमान कर परिवार वो भी यहाँ पर हैं और ये राले की कथा के दौरान एयरपोर्ट से जिन्होंने मुझे रिसीव किया और मुझे पूरी श्रद्धा है कि जब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं तब तक मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं ऐसे और ये भाषा में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि शोभना बहन को यह सब पसंद है <laughs> तो हमारे आदरणीय हिमांशु भाई और शोभना बहन देसाई परिवार प्रिय सज्जनों यहाँ प्रसाद से पहले जो सत्संग करते हैं उसमें बड़े ध्यान से ये सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं वो कथा का श्रवण करते हैं और नृपेश भाई ने कुछ प्रश्न लिख कर तैयार रखे हैं श्वेता बहन ने बताया कि मेरा भाई बहुत सिस्टमेटिक है तो लिख के प्रश्न रखे हैं अब उन पर थोड़ा सा चिंतन करें डिटेल में तो बहुत जा सकते हैं पहला प्रश्न जो नृपेश जी पूछ रहे हैं कि श्रीमद् भागवत का नित्य अध्ययन कैसे करना भागवत ये निरंतर अध्ययन करने का ग्रंथ है आपकी जो दैनंदिन नित्यचर्या है योर प्रोफेशन योर अदर एक्टिविटीज उसके साथ में रूपेश भाई आप एक तय करें समय कि हाफ एन आवर एवरी डे और एन आवर एवरी डे फिर वो अध्ययन शुरू कर सकते हैं मैं कथा के अंत में बताता हूँ श्रेष्ठ मार्ग तो है मूल भागवत पढ़े ओरिजिनल भागवत इन संस्कृत Okay. लेकिन स्वाभाविक है कि संस्कृत सबको नहीं आती समझ में नहीं आती तो यू कैन बिगिन विथ अपनी कथा तो आपने सुनी है मैं बार बार कहता हूँ कि समय की मर्यादा होती है तो बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती तो और भी कई सारी कथाएं अपनी पहले जो हुई है डिटेल में हुई है और सब कथाओं में किसी कथा में कोई विषय डिटेल में लिया जैसे आपने जड़ भरत जी का प्रश्न पूछा है तो पहले की कोई कथा में जड़ भरत जी का आख्यान मैंने डिटेल में लिया होगा तो कई लोग ऐसे विश्व भर में करते हैं जो आपने ये प्रश्न पूछा है कि निरंतर आधा घंटा एक घंटा अपने YouTube चैनल पूज्यश्री भाई में जाकर के कोई ना कोई कथा लेकर के उसका निरंतर अब कथा तो सात दिन चली है तीन तीन चार चार घंटा भारत में तो छः छः घंटे तक तो कथा चलती है तो टोटल आप देखो तो तीस पैंतीस घंटे का होता है तो आपका एक एक महीने का वो होता जाएगा इवन इफ यू स्पेयर वन आवर हाफ एन आवर कर तो दो महीने का होगा ये पहला टू बिगिन विथ इनिशिएशन मैं कहूंगा क्योंकि ऑडियो विजुअल इज ऑलवेज पावरफुल टू फोकस योर माइंड और जब ये आज की विज्ञान साइंस टेक्नोलॉजी है यूट्यूब चैनल पूज्यश्री भाई के माध्यम से करोगे तो आप बैठे हो कर सकते हो नेक्स्ट थिंग इज अपना भागवत ग्रंथ आई एम sure श्योर आपने लिया ही है गुजराती इंग्लिश सब में तो उसका कई लोग जो दुनिया भर में करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ एक पन्ना दो पन्ना वो दस मिनट लगेंगे वो पढ़ने का नियम रखो उसके पन्ने भी कुछ साढ़े तीन सौ चार सौ के आसपास हैं नहीं। नहीं। तो एक वर्ष में आपको एक एक पन्ना भी यदि रोज का पढ़ने का नियम रखोगे तो एक वर्ष में पूरा भागवत का पारायण हो जाएगा कई लोग विश्व भर में शुभनाबेन श्रावण मास में कहते हैं कि हमें पूरा एक महीने में पूरा ये ग्रंथ पढ़ना है ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पंद्रह पंद्रह बार आवर्तन किया है अधिक मास आए तो आसपास के लोग यहाँ जैसे आपने कहा कि ये सीनियर सिटीज़न की जो 55 प्लस कम्युनिटी है इतने इंडियन परिवार है तो उसमें से जो लोग आए साथ में बैठकर पढ़िए आधा घंटा एक घंटा तो वो अधिक मास का क्रम हो जाएगा आपका अनुष्ठान हो जाएगा एक तो ऐसे कई लोग विश्व भर में करते हैं ये दूसरा रास्ता है तीसरा मैं आपको और सिंसियर जब डिटेल में स्टडी करना चाहें तो श्रीमद् भागवत का सबसे ऑथेंटिक ट्रांसलेशन इफ यू आर कंफर्टेबल विथ हिंदी लैंग्वेज तो भी और गुजराती में भी गीता प्रेस गोरखपुर का है okay. भागवत दो हिस्से में है उसमें लेफ्ट एंड कॉलम में संस्कृत श्लोक लिखे हैं और राइट एंड साइड में उसका गुजराती या हिंदी अनुवाद मिलेगा इसमें थोड़ा अटेंशन लगेगा आपको थोड़ा परिचय होगा तो आप अच्छी तरह से कर पाओगे सीधा उसको शुरू करोगे तो आप यू विल रिक्वायर एन एकेडमिक इंटरेस्ट तो कर सकते हो नहीं तो ये कथा सुनकर आपका जो प्रारंभिक परिचय हो गया होगा तो फिर उसमें आप सरलता से कर सकेंगे और उसका अध्ययन कर सकेंगे और उसके आगे जाकर के जैसा मैं करता हूं प्रतिदिन एक अध्याय श्रीमद भागवत का एक अनुष्ठान है कई कथाओं भी में मैंने बताया है वर्ष के दिन कितने होते हैं 365 360, 360 हमारे यहाँ भारत के दे, दे, उसके हिसाब से अंग्रेजी के हिसाब से 365। सिक्सटी फाइव श्रीमद भागवत के महात्म्य के अध्याय कितने हैं 6 वाह वेरी गुड आपको याद है फिर भागवत के अध्याय 335 335 तो एक एक अध्याय रोज यदि करोगे जो अनुष्ठान मैं करता हूं मैं आपको बता रहा हूं तो छः अध्याय एक एक अध्याय किया रोज फिर थ्री थर्टी फाइव तो तीन सौ इकतालीस हुए उसके बाद गीता का पारायण करो एक एक अध्याय गीता के अध्याय है अठारह तो थ्री फिफ्टी नाइन हुए और अंत में विष्णु सहस्र नाम थ्री सिक्सटी ये एक वर्ष का आवर्तन अनुष्ठान ऐसा प्रतिदिन भगवान की कृपा से बारह वर्ष का अखंड अनुष्ठान मैंने किया है नॉट अ डे इज ब्रेक बिगिन विथ महात्म्य के छः अध्याय फिर तीन अध्याय श्रीमद् भागवत के फिर भगवत गीता के अठारह अध्याय और एक अध्याय विष्णु शास्त्र नाम का अच्छा तो कोई भी टाइम भी कर सकते कभी भी आप कभी भी शुरू करना चाहते हैं दिन कभी दिन भी, 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 भी शुरू कर दिन सकते आता हूं मैं आपका प्रश्न हूं टू दैट और ईश्वर की कृपा देखो शायद मैंने कथा में भी कहा कि बारह वर्ष पहले मैंने अनुष्ठान शुरू किया था इन 2008 पूरा कब हुआ ट्वेंटी सेकेंड 2024 ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी में शुरू किया था मैंने अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी और उसके दो दिन पहले क्योंकि मैं बाहर जाता हूं तो पूरा ग्रंथ लेकर जाना संभव नहीं होता तो पहले मैं जेरोक्स कॉपी करके ले जा रहा था उतने पन्नों की अब जेरोक्स भी इतने पेपर लेस होते हैं फोटो मैं लेता हूँ मेरे फ़ोन में तो मैं जब ले रहा था और फिर मैंने उसके लिखा कि दिस आई हैव टू चान्ट ऑन ये अंतिम अध्याय तो मैंने कहा ये तो मैं भागवत वहाँ अयोध्या में रहूँगा मैं निकला था दो दिन पहले अगले दिन पहुँचा था मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर था तो इतना मुझे आनंद आया कि प्रभात पाकि कितनी योजना है बारह वर्ष पहले जब मैंने अनुष्ठान शुरू किया तब तो कुछ था ही नहीं अयोध्या के मंदिर के बारे में कुछ, कुछ पता नहीं था न वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था न कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था कुछ नहीं था लेकिन ईश्वर की योजना कितनी सुंदर होती है कि राम लल्ला के सानिध्य में बैठ कर के मैंने प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ये किया ठाकुर जी की वो प्रभु की योजना होती है तो ये आप कर सकते हैं ऐसा अनुष्ठान और शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि ऐसा अनुष्ठान पांच वर्ष तक भी नॉनस्टॉप अखंड रूप से करे वो भागवतमय बन जाता है देन भागवत स्पीक्स टू यू द स्क्रिप्चर स्पीक्स टू यू uh -huh. तो एक स्थिति ऐसी आती है कि पहले भागवत को समझने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है और जब श्रीमद् भागवत से प्रेम करो निरंतर जुड़े रहो तो श्रीमद् भागवत आपके साथ बोलने लगती है तो ये स्थिति ये अध्ययन के लिए दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा है कि मंगलाचरण नित्य करना चाहिए या भागवत के शुरुआत में शास्त्र का नियम है मंगलाचरण प्रारंभ में मध्य में और अंत में करना चाहिए तो ये आरंभ करते समय आप कर सकते हैं प्रवास दरमियान कब कर सकते हो अब अगेन मैं जो कर रहा हूँ वही मैं आपको बताऊंगा मैं मॉर्निंग में ट्रैवलिंग भी यदि मैं कर रहा हूँ यूजुअल ट्रैवल अपना एयर ट्रैवल ही होता है लेकिन कभी ट्रेन में रहा बहुत कम होता है बस में भी बहुत कम होता है बाय रोड लेकिन एयर ट्रैवल में भी जब भी मैं रहूँ क्रूज़ में हम गए थे पाँच छः बार हमारे सबकर्मा परिवार की ओर से हमने क्रूज़ की है तो वहीं पर जब रहा तो मैं प्रातः काल स्नान करके ये मेरा पहला होता है इफ़ आई एम ट्रैवलिंग से मैं इंडिया से अमेरिका आ रहा हूँ वहाँ की रात की फ्लाइट तो वहाँ तो स्नान करके निकला हूँ लेकिन जहाँ पर मुझे मॉर्निंग मिली ट्रैवल में कि मैं नींद करके उठा तो मैं ये पहले कर लेता हैं आप तो okay. yes, right. okay. फिर दिन का कौन सा समय जो आप okay. पूछ okay. रहे हैं वो मॉर्निंग टाइम यदि करो तो वंडरफुल okay. न कर सको आपका ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा अध्ययन है तो अध्ययन तो कभी भी कर सकते यू आर स्टडिंग द स्क्रिप्चर एज लॉन्ग एज यू आर फिजिकली प्योर मेंटली फोकस्ड कई बार यहाँ तो फ्लेक्सी आवर्स होते हैं सुबह जल्दी आपको जॉब पे जाना है तो फिर टेंशन में रहकर करो उससे अच्छा बेहतर है कि शाम को लौट के चार बजे पाँच बजे आप घर पे आए हो हाथ पैर धो लो संभव हो तो स्नान कर लो ये एदर परमिट्स तो ये करके फिर करने बैठ जाओ आपकी मेंटल इन्वॉल्वमेंट मानसिक एकाग्रता आपकी ये महत्वपूर्ण है तो उस समय आप कर सकते हैं चतुश्लोक भागवत करें तो भागवत का नित्य अध्ययन कर सकते हैं कोर्स कर सकते हैं okay. चतुश्लोक भागवत एक अनुष्ठान के रूप में टेक्स लेस देन अ right, so चार श्लोक हैं तो हाँ पचास सेकंड जितना लगता है तो वो हाँ, तो एक अनुष्ठान के रूप में आप कर सकते हैं और अध्ययन अवश्य करें पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम स्त्रोत्र जो है वो पुष्टि संप्रदाय के लिए है बाकी सब लोगों को पता भी नहीं होता Exactly. और ये पुरुषोत्तम शास्त्र नाम क्या है कि महाप्रभु जी श्री जी ने और ये परंपरा गोस्वामी बालक ने श्रीमद भागवत का अध्ययन करते हुए श्रीमद भागवत में भगवान श्री कृष्ण के जो विविध नाम हैं और उनके लक्षण हैं क्वालिटीज वो संपादित करके ये एक हजार नाम बनाए हैं अच्छा तो वो जो नाम सब हैं वो भागवत से ही हैं तो एक हो सकता है कि भगवान के जो हजार अलग 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 तरीके से अच्छा केवल सीधे कॉपी पेस्ट नहीं किया है भागवत से महाप्रभु जी को भी जो प्रेरणा हुई कि कृष्ण के ये गुण है भागवत में से प्रकट होता है तो वो गोपी जनवल्लभ ऐसे भागवत में कभी गोपी जनवल्लभ लिखा नहीं है लेकिन महाप्रभु जी की अनुभूति है कि गोपी जनवल्लभ आय ऐसे तो ये आप अवश्य कर सकते हैं जड़ भरत जी का आख्यान यहाँ पर अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा पहले की कथाओं में आप सुन सकते हैं पर इसलिए रखा है कि वो और मेरा लास्ट अंतिम प्रश्न है। ये उसमें आता हूं मैं इस, इस, इसके साथ, इसे साथ में। संसार और मोहमाया के जाल में से छूटना या तो उसमें से थोड़ा सा छूटकर भक्ति की ओर कैसे मुड़ सकते हैं ये प्रश्न हमारे रुपेश भाई ने पूछा है पहली बात रुपेश भाई सनातन वैदिक परंपरा जो हमारी है और इसमें भी केवल जो भक्ति मार्ग है वो संसार को बंधन नहीं मानता है मैंने कथा में भी बार बार कहा है आ, शायद परसों की कथा कृष्ण जन्म की कथा में चौथे दिन की कथा में कहा कि ये संसार भगवान का घर है तो फिर उसमें से छूटना क्यों है ईश्वर का घर है ईश्वर का मंदिर है यह संसार कारण यह है साइकोलॉजिकली कि जब तक आप संसार को तुच्छ समझते हो संसार को त्याज्य समझते हो संसार को तिरस्करणीय समझते हो नेगेटिव एटीट्यूड रखते हो ह्यूमन माइंड ऐसा है कि जिसके तरफ आप तिरस्कार करते हो उसको उसके साथ आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है आप ज्यादा इन्वॉल्व होते हो यह मन का नियम है क्योंकि नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट इज मोर पावरफुल देन पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट किसी ने आपको प्रसन्नता दी होगी तो वो आपको याद रहे ना रहे लेकिन किसी ने आपको दुख दिया होगा तो आपको अधिक याद रहता है मित्र का स्मरण हो ना हो शत्रु का स्मरण अवश्य होता है माइंड इज लाइक दैट तो संसार के प्रति भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखो नेगेटिव एटीट्यूड मत रखो क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड से आप जितना छोड़ने का प्रयास करोगे उतना और चिपकोगे ये। मैं कई बार दृष्टांत देता हूं कि मां बालक को कहे पांच साल का बालक है उसका और उसको कहे बालकनी में मत जाना और माँ किचन में कुछ काम कर रही है तो बालक कर, बालकनी में पहले, पहले, जाएगा। पहले जाएगा मम्मी ने ना क्यों कहा है कुछ तो होगा चंद्रिका बेन बराबर है तो ये नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो अधिक होता है और फिर वो माँ की नजर चुका कर भी कोशिश करेगा कि मैं जाऊं मैं बालकनी में जाऊं मैं बालकनी में जाऊं वाइज मदर जो होती है ना सयानी माँ वो क्या करती है वो ऐसा नहीं कहेगी बालकनी में मत जा वो कहेगी बेटा ये पजल लगा दे तो जरा या ये पेंटिंग है उसमें कलर दे देख से पॉजिटिव दो माइंड ऑलवेज अंडरस्टैंड पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन मन का स्वभाव यह है कि उसको आप नेगेटिव इंस्ट्रक्शन भी दोगे तो उसको पॉजिटिव ले जो ना करने को कहोगे वो पहले करेगा तो ये मन को समझो संसार जाल है संसार माया है संसार को छोड़ना है इतना जैसा सोचोगे संसार और चिपकेगा माया और बंधन करेगी संसार मेरे प्रभु का घर है मैं प्रभु के घर में जब मेहमान के कहा कहा था मैंने या तो भक्ति सेवक बन के आया हूँ मेरा प्रभु का घर है मैं सेवा करनी है मुझे तो ऐसे यदि रहोगे मैं आपके घर में आए चलो मैं नहीं महेंद्र भाई आपके घर में आए शाम के समय महेंद्र भाई गुरुवार को कलकत्ता पूरी होगी शुक्रवार को यज्ञ होगा सैटरडे इवनिंग को महेंद्र भाई क्या और चंद्रिका बहन को आपकी याद आएगी कि रोज तो रूपेश भाई माता जी बहना श्वेता सब लोग मिलते थे एक हफ्ते से तो अभी सैटरडे जरा इवनिंग को खाली लगता है कुछ और बाजू में ही तो है रूपेश भाई कहाँ दूर है वॉकिंग डिस्टेंस में तो वो आएंगे वो क्यों आए आपसे मिलने के लिए आए आपके घर में बैठेंगे बहना श्वेता पानी पूछेगी शरबत चाय कॉफी ये सब करेगी आधा घंटा एक घंटा चंद्रिका बहन और महेंद्र भाई बैठेंगे और निकलेंगे तो इन्होंने आपके घर के साथ आसक्ति बनाई नहीं।, नहीं उनको ऐसा लगेगा चलो यहीं रह जाते हैं या तो ऐसा करेंगे अरे क्या घर है क्या ये है क्या दीवारें हैं क्या ग्रकल्टन है ये नहीं करेंगे वो क्यों आए हैं उनका फोकस वेरी क्लियर है रुपेश भाई से मिलना है फिर आसपास चाहे जो भी कुछ हो ठीक इसी तरह ये संसार ईश्वर का घर है प्रभु से मिलने आए हैं हमारा ध्यान यदि भगवान के तरफ रखें तो संसार बंधन कारक होता ही नहीं चाल्या जऊँ जो हो तो बंधन कशू नहीं ગુજરાતીમાં આપણા એક કવિ છે રાજેશ વ્યાસ ઉપનામ ઉપનામથી બહુ સરસ કાવ્યો લખે છે આપણી સાથે ખૂબ આત્મીયતા છે એમનો એક બહુ સરસ શેર હિમાંશુભાઈ આપને શોખ છે તારું કશું ન હો તો છોડીને આવતું તારું કશું ન હો તો છોડીને આવતું तारू बधु जो हो तो छोड़ी बताओ तू <laughs> <laughs> तेरा यदि कुछ नहीं है तो छोड़ के आ जा ऐसे भी क्या है तेरा ठीक <laughs> है <laughs> और यदि तुम समझते हो कि तुम्हारा ही सब है तो छोड़ के दिखाओ <laughs> ये कागज मेरा है तो मैं छोड़ के अभी मैं चाहूं तो इसको फाड़ के फेंक दू मेरा कागज है कौन पूछेगा मुझे दोनों में अब दो, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है या तो तुम्हारा है या तो नहीं है बहुत सही यदि तेरा सब कुछ है यदि तेरा नहीं है तो छोड़ दे फिर क्यों पकड़े बैठा है और यदि तेरा सब कुछ है तो छोड़ के दिखा तू संसार में ये इस तरफ से रहो तो बहुत आनंद से हम रह सकते हैं आज जेठ शुक्ल एकादशी के बाद द्वादशी के पवित्र दिन प्रसाद पाने से पहले यहाँ पर हमने ये सत्कर्म सत्संग किया भगवान की बहुत कृपा दोनों परिवारों के ऊपर श्रीमानकर परिवार और मेहता परिवार के ऊपर उतरती रहे भक्ति में बहुत अभिवृद्धि हो यही आशीर्वाद के साथ सर्वेत्र सुखिन संतो सर्वे संतो निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कशिद दुःखमाप्नुयात श्रीकृष्ण कन्हैया लाल की जय